नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। धुर्की से हमारे संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव करने की मांग। धुर्की जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के आलोक में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्येक विद्यालय में आयोजित किया जाना है। बताते चले कि इस विद्यालय प्रबंधन समिति का चयन वैसे सदस्य को करना है जिनके छात्र छात्रा इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन सरकार के नियम कानून को ताक पर रखकर समिति का चयन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वैसे ही ढुरकी प्रखंड स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय ढुरकी में देखने को मिला है, जहां के ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण जनता के द्वारा चुनाव न कराते हुए एक ही परिवार एवं रिश्तेदार मित्रों को सदस्य बनाकर किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बंद कमरे में चुनाव कराना नियम के विरुद्ध है, सभी को मौका मिलना चाहिए, जिसका ग्रामीण जनता इस चुनाव का घोर विरोध करती है। ग्रामीणों ने इस चुनाव को निरस्त कर पुनः चुनाव जिला शिक्षा पदाधिकारी से कराने का आग्रह किया है। इधर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि मैं मंगलवार को किसी कारण से नहीं था, बुधवार को नवोदय विद्यालय की परीक्षा के कारण मैं नहीं हूँ, जांच के बाद ही कुछ बताया जाएगा। ग्रामीणों में उस्ताद आलम, अनीता देवी, सुनीता देवी, रीबा कुमारी, अनीता देवी, बबीता देवी, सोनी देवी, प्रियंका देवी, शारदा देवी, फुलमतिया देवी, रेशमा देवी इत्यादि काफी संख्या में लोग मौजूद थे। मैं अध्यक्ष हूँ, तो अध्यक्ष के बाद में जो हुआ तो हम लोग को जनता पूरा अति हो गए कि हम जब नहीं हुआ अध्यक्ष से क्योंकि भी नहीं जानकारी मिला, और जो भी हुआ तो बंद कमरे में हुआ, इसके कारण से जनता पर भी पूरा है तैयार और हम भी उसका अति नहीं करेंगे। चुनाव होना है तो फिर से चुनाव करें, उसमें हम लोग तैयार हैं, जनता भी तैयार है, यही हमारा कहना था। और जो भी चुनाव हुआ गलत हुआ। जनता फिर से चुनाव कराना चाहती है? हाँ, जनता फिर से चुनाव क्यों कराना चाहती है? कि वो जो बंद कमरे में हुआ इसके चलते बस। आपकी अध्यक्षता में जो चुनाव हो रहा था, ग्रामीण उसका खुल के विरोध कर रहे हैं, इसके समक्ष में आपका क्या कहना है? हमको भी कहना था कि जो हुआ, जब भी चुना गया जिसकी पार्टी था कि 6 महिला रहेगी, 6 जेंट्स रहेंगे, ऐसे करके से ही चुनाव हुआ, तो उस समय हम सब तैयार थे। मेरा कहना है कि जो भी हुआ सब उसमें से वही सही हुआ, लेकिन उनको उठा करके और सबको ले जा करके बंद कमरे में बंद कर लिए, बंद करके और अंदर में ही चुनाव हुआ। किसका हुआ चुनाव ये हमको पता नहीं कि अध्यक्ष किसका हुआ। तो फिर बाद में विरोध हमको लेके भाई किसी का हुआ पता ही हमको नहीं चला। तो अगला वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो पुराना थे उन्हीं को हुआ, तो पुराना थे उन्हीं को हुआ। तो फिर उसके बाद में हम बेपक्ष सब पब्लिक हो गए। तो भाई हम ये पब्लिक हो गए तो कम से कम सामने होना चाहिए वो चीज़ को, किसी का होता वो सामने होना चाहिए, स्कूल में अंदर घुसा करके नहीं होना चाहिए, यही हमारा कहना था। तो हम हाँ किसी और कुछ करते चयन या नहीं करते, जो भी होता पुराने को करते, हमको से दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते तो वो अंदर नहीं बाहर करते, तो हमको भी होता। अब इसके चलते हम वहाँ से फिर चले दिए, फिर पब्लिक बोले कि आप किए हैं क्या किए, हम कहे कि नहीं, हमारा अध्यक्षता में किसका हुआ बहाली हमको पता ही नहीं है। जो ग्रामीण हैं धुरकी प्रखंड के, वो जिसको अध्यक्ष बनाया गया है उसको लेकर विरोध कर रहे हैं, या फिर जो रूम में चुनाव कराया गया उसको लेकर विरोध कर रहे हैं? रूम में चुनाव हुआ उसके लेकर विरोध कर रहे हैं, रूम में जो चुनाव हुआ उसको लेकर के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। क्या आप सदस्य हैं उसके, आपका उस चुनाव के बारे में क्या कहना है? मेरा कहना है सर कि हम लोग के रूम में ले जाके बंद होके बंद कर दिया गया, और डायरेक्ट घोषित कर दिया गया कि पहल का जो अध्यक्ष है वही रहेगा, हम लोग लिया गया। आप लोग से कोई मशवरा नहीं, कोई मशवरा नहीं लिया गया? इस चुनाव से आप पक्ष में हैं इस चुनाव के? नहीं, पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग की जानकारी नहीं हुआ कि अध्यक्ष का चुनाव कब हो गया। सदस्य भर के चुनाव हुआ, सदस्य हम लोग 12 को हुए, उसके बाद रूम में ले आके डायरेक्ट घोषित कर दिया गया कि अध्यक्ष पुरनके रहेंगे,